टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के तालमेल से भारतीय क्रिकेट में ऐसे दौर की शुरुआत होने वाली है जहां खिलाड़ी वर्कलोड के बहाने श्रृंखला चुनने में मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। श्रीलंका दौरे से पहले गंभीर और अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे बहुत सारे कड़े कड़े सवालों के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने बेबाक तरीके से जवाब भी दिया है। कई बड़े फैसलों के बारे में भी बताया गया तो कुछ चीजों की ओर इशारा भी किया गया, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय क्रिकेट में काफी कुछ नया होने वाला है। गंभीर और अगरकर की उपस्थिति शारीरिक रूप से भले ही प्रभावशाली ना लगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट की जानकारी रखने वाले हर व्यक्ति को ये बात पता है कि दोनों पूर्व क्रिकेटर काफी कड़े फैसले लेने वाले इंसानों में शामिल हैं और आसानी से पिघलते या बदलते नहीं हैं। इन दोनों का लक्ष्य अब 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए खाका तैयार करना है, उनके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना है और उनके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन उन्होंने इस बात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए अलग अलग नियम होंगे। गंभीर से जब वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई, मैंने पहले भी कहा है कि बुमराह जैसे खिलाड़ी के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बल्लेबाज हैं और आप अच्छी फॉर्म में हैं तो आपको सभी मैच खेलने चाहिए और रन बनाने के लिए जाना चाहिए। गौतम गंभीर ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब केवल दो प्ररूप में ही खेलते हैं, यानी कि ओडीआई और टेस्ट मैचेस। मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। और इसी तरह से जो सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने हार्दिक पांड्या को T20 टीम का कप्तान ना नियुक्त करने पर भी यही कारण बताया है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कप्तान चाहते हैं जो हर मैच के लिए ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, ऐसा नहीं जो फिजिकल फिटनेस की वजह से टीम से बाहर चले। ऐसे में टीम प्रबंधन, सेलेक्टर्स, कोच सबको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और शायद इसीलिए सूर्य कुमार यादव को प्रायोरिटी दी गई है हार्दिक पांड्या के ऊपर T20 सीरीज के कप्तान बनाए जाने के लिए। अजीत अगरकर ने आगे कहा कि सूर्या को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो पिछले एक साल से ज्यादा समय से भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है। आपको ड्रेसिंग रूम में काफी फीडबैक मिलता है और फीडबैक के हिसाब से यही बातें सामने आई कि भाई, सूर्य कुमार यादव के पास हर वो एक चीज है, हर वो पोटेंशियल है जो उनको एक बेहतर कप्तान बना सकता है इस फॉर्मेट का। चूंकि वो केवल T20I फॉर्मेट खेलते हैं, इसीलिए ज्यादातर मुकाबलों में वो अवेलेबल भी रहते हैं, इसीलिए शायद उनको कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी दी गई है कि वो टीम इंडिया को कप्तानी करेंगे, टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे आने वाली इस सीरीज में। ऐसे में एक चीज तो इस नए कोच और सेलेक्टर की जो जोड़ी है, इसने साफ कर दी है कि भाई, अब जो खिलाड़ियों को छुट्टियां मिलती थी वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे, वो शायद अब बिल्कुल नहीं मिलती नजर आएंगी। उन छुट्टियों पर अब पाबंदी लगा दी जाएगी, बिना नोटिस के, बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के या बिना किसी खास वजह के किसी को ऐसे ही छुट्टी नहीं मिलेगी। हर खिलाड़ी को ज्यादातर समय पर अपनी अवेलेबिलिटी दिखानी होगी टीम इंडिया के सिलेक्शन में, फिर चाहे वो कोई भी सीरीज हो। बहरहाल, इस वीडियो पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की सोच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स टाइम। मेरा नाम है आयुष मिश्रा, नमस्कार।